एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा पेड़ था। वह पेड़ बहुत विशेष था क्योंकि वह जादुई था, दम। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की रोज खेलने आती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा हमेशा उस पेड़ से बातें करती और अपने दिल की हर बात उससे कहती। एक दिन पेड़ ने उससे कहा, मीरा, मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देना चाहता हूँ। तुम जो भी चाहो वो हो जाएगा, लेकिन याद रहे, इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए करना। मीरा बहुत खुश हुई। वह रोज छोटी छोटी अच्छाइयां करने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। एक भयानक डाकू ने गांव को धमकी दी कि वह सब कुछ लूट लेगा। मीरा ने फैसला किया कि वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करेगी। वह पेड़ के पास गई और बोली, मैं चाहती हूं कि डाकू का दिल बदल जाए। अगले ही पल डाकू गांव में आया, लेकिन इस बार उसका दिल बदल चुका था। वह गांव वालों से माफी मांगने लगा और उनकी मदद करने लगा। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने मीरा से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो दुनिया बदल सकती है। समय बीतता गया और मीरा की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसके उदाहरण से सीखने लगे और अच्छाई की राह पर चलने लगे। एक दिन मीरा ने देखा कि पेड़ सूखने लगा है। वह दौड़ी दौड़ी पेड़ के पास गई और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? पेड़ ने धीरे से कहा, मीरा, मेरा समय अब पूरा हो चुका है, लेकिन तुमने जो किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। तुम्हारी अच्छाई और प्यार हमेशा इस गांव को रोशन करेगा। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पेड़ की याद में गांव में और भी अधिक पेड़ लगाएगी। और उसने ऐसा ही किया। गांव फिर से हरा भर आ हो गया और मीरा की कहानी एक प्रेरणा बन गई। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छाई और प्यार की शक्ति से हम दुनिया को बदल सकते हैं। और याद रखें, जब आप किसी के जीवन में उजाला लाते हैं तो वह उजाला आखिरकार आपके जीवन में भी लौट आता है।